नमस्ते, मैं जानवी झा, माइंड हिप्नोटिज्म चैनल झांसी से। आज विषय या कुछ लेकर नहीं आई, मैं आपको बताने आई। कल मैंने आपको बताया था ब्लू स्केच पेंसिल बुखार फीवर का कलर थेरेपी, नंबर थेरेपी बताया था। सो कई लोगों ने क्या किया जिनको फीवर नहीं है, मैंने भी यही किया, अपने हाथ पे राइट डाउन करके पूरा लिख के आपको बताया था, जबकि मुझे कोई फीवर नहीं था। तो आपको समझाने के लिए मैंने पूरा लिखा था। तो प्लीज, जिसको बुखार नहीं है, फीवर नहीं है, प्लीज वो ना लिखे, क्योंकि कल खुद मेरी हालत, क्योंकि था ही नहीं फीवर तो क्या होगा, बीपी लो होगा। जिसका बीपी हाई है उसको बीपी हाई होगा, हालत खराब हो जाती है। ये कलर थेरेपी काम करता है, नंबर थेरेपी काम करता है, तो प्लीज आप समझिए इस बात को। अगर आपको फीवर नहीं है तो प्लीज नहीं लिखना, क्योंकि ये जो कलर है ना आपके हाथ पे जो आपने लिखा है, उसको 4 घंटे से ज्यादा, 4 या 5 घंटे से ज्यादा नहीं रखना है। और सुबह ब्रेकफास्ट के बाद आपको ये 1 घंटे बाद कलर लिखना है। जो भी कलर मैंने आपको बताया है, गुस्से का बताया है, आपका सर्वाइकल की प्रॉब्लम का बताया है, या मैंने आपको नींद का, फीवर का, अनिद्रा की प्रॉब्लम जिसको है वो भी मैंने बताया हुआ है। सो प्लीज, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप राइट डाउन करिए, मुझे चेक करने के लिए या इसको चेक करने के लिए प्लीज डोंट डू इट, प्लीज। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जरा चेक करके देखते हैं, करके देखते हैं, लिख के देखते हैं क्या है क्या नहीं, इससे आपकी ही तबीयत खराब होगी। और प्लीज ब्रेकफास्ट के 4 घंटे, सॉरी, ब्रेकफास्ट के 1 घंटे बाद आपको अपने हाथ पे लिखना है। कई फ्रेंड्स को मैं बताती हूँ, आपको जॉली बनाना है यहाँ पे फॉर हैप्पीनेस, जो थोड़ा सा डिस्टर्ब है, डिप्रेशन में है, यहाँ पे मैं बताती हूँ। और यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे +50 ब्रैकेट वाला आपको हमेशा मैं बताती हूँ, अक्सर डिप्रेशन वालों को ज्यादा बताती हूँ। और नीचे मैं ब्रैकेट -55 क्लोज ये बताती हूँ, डिप्रेशन वालों को बताती हूँ। क्योंकि आपको याद रखना है सुबह ब्रेकफास्ट के 1 घंटे बाद। और ये अगर बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहते हो तो आपका 40 डेज का है या 45 डेज का है। अगर थोड़ा सा एक डिप्रेशन में हो, हल्का सा है, तो फॉर 15 डेज यू हैव टू डू। प्लीज आप मेरी बात को सुनिए, जो मैं कह रही हूँ उसको समझिएगा कि कलर थेरेपी कहाँ क्या करना है, किस ढंग से। चलिए, आपको शायद समझ भी आ गया हो मेरी बात को, एक बार नहीं आया तो दूसरी बार सुन लीजिए, वीडियो आपके पास है, आप सुन सकते हैं। चलिए, फिर भी मैं आज आपको बीपी हाई एंड लो का मैं बताती हूँ, रेड एंड ब्लू स्केच में से। जिसका लो है, बीपी लो है, आपको कैसे पता चलेगा? वीकनेस सा हो रहा है, हाथ पांव टूट रहा है, आपको क्या, आपको ये थंब है, थंब इसको प्रेस करना है। अगर प्रेस किया, आपके सर हल्का सा कम दर्द कर रहा है, पेन कम हो रहा है, तो आपको चेक करवाना आपका बीपी हाई है कि लो। उस पर डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। बीपी हाई है तो आपको क्या करना है, ब्लू स्केच पेन यहाँ पे सर्कल करना है। मेरा बीपी हाई नहीं रहता है, इसीलिए मैं ब्लू स्केच पेन नहीं लिख रही, बस मैं आपको बता रही हूँ कि आप यहाँ पे राउंड करोगे, राउंड के जिसका हाई रहता है आपको राउंड करना है ब्रेकफास्ट के 1 घंटे बाद। और जिसका लो रहता है, यहाँ पे आपको रेड से, ये हमेशा रिमेम्बर करें। प्लीज इस वीडियो को सुनना आप बार बार, अगर कंफ्यूजन कहीं पे भी है, आप मुझे फोन लगा देते हैं कि दीदी ऐसा कैसे है, मैम ये बताइए ऐसा कैसे, ये कहाँ पे पॉइंट आउट करना है। प्लीज आप इस बात को समझिए, रेड बोला है तो रेड ही स्केच पेन होना चाहिए, अगर ब्लू बोला है तो आपको ब्लू स्केच पेन ही लेना है। अगर मैंने सर्वाइकल के लिए ग्रीन स्केच पेन बताया है तो ग्रीन ही लगाना है। शुगर के लिए अगर मैं रेड बता रही हूँ या कोई भी कलर बता रही हूँ तो आपको रेड ही लेना है। कोई भी कलर मैं आपको बता रही हूं तो प्लीज आप उसको सुनिए फिर लगाइए। ये नहीं कि हाँ चलिए स्केच पेन उन्होंने ब्लू कहा है तो ब्लू पेन से राइट डाउन कर रहे हैं, मार्कर मिला है मार्कर से राइट, प्लीज डोंट डू इट लाइक दैट। प्लीज 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 आपको स्केच पेन ही लेना है। अगर चाहो कि 4 घंटे या 5 घंटे बाद छूट जाएगा, तो वो 10 रुपीज का पैकेट आता है स्केच पेन का, आप वो लेके कर सकते हैं, मार्क लगा सकते हैं, क्योंकि 3 4 घंटे बाद धुल जाए कोई बात नहीं, इट डजेंट मी। उस समय वो उतना जितना वर्क करना था वो वर्क कर देता है। आप मेरी बात प्लीज इस गौर से सुनिएगा, मैंने क्या कहा।
अगर जिसको बीपी हाई है, लो है, जो स्केच पेन बताया आपको वही करना है। अगर मेरी बात आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।